स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर 7, द लिटिल फर ट्री। लेसन शुरू करने से पहले इसमें लेसन के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं, यूजेस द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन सेंटेंसेस, फॉर्म्स नाउन एडिंग सफिक्स लाइक ईन टू गिवन वर्ड्स, राइट्स अ लेटर ऑफ कंप्लेन सजेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी, understand the concept of direct and indirect speech, speaks simple dialogue for role play, answer question in simple sentence. बच्चों, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी। What do you see in this picture? Name the things on the table. आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, आपको बताना है कि टेबल के ऊपर क्या क्या थिंग्स रखी हैं, जैसे बॉक्स है, बुक है, हैंकरचीफ है। Can you guess who the man is and what is he doing? क्या बता सकते हैं कि ये आदमी कौन है और ये क्या कर रहा है? Yes, he is a magician. ये एक जादूगर है और यह जादू दिखा रहा है। Have you ever seen any magic show? क्या आपने कभी कोई magic show देखा है? If yes, what did you see in it? यदि आपने देखा है तो इसमें क्या हुआ था? तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। The little fir tree, एक छोटा फर का वृक्ष, फर या देवदार का वृक्ष। पैसेज शुरू करते हैं हम। सेटी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। सेटी जादूगर घर लौट रहा था। मैजिशियन का मतलब यहाँ पे जादूगर और रिटर्निंग मतलब लौट रहा था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन और अचानक से इट बिगेन टू रेन, वर्षा जो है वो शुरू हो गई। इट रेन्ड हैवीली और भारी वर्षा हुई। हैवीली मतलब भारी। सेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सा अ प्रेटी द लिटिल फर ट्री। सेटी ने आश्रय के लिए इधर उधर देखा और उसे एक छोटा सा सुंदर फर का वृक्ष दिखाई दिया। शेल्टर का मतलब है यहाँ पर आश्रय और प्रेटी का मतलब है सुंदर। द लिटल फर ट्री मतलब क्या है यहाँ पे? फर का वृक्ष। ही रेन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, वह उसकी ओर जितना तेज हो सकता था भागा। सून द रेन स्टॉप्ड और जल्दी ही वर्षा जो है वो थम गई। सेटी वाज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट और वह खुश था। सेटी खुश था क्यों था? क्योंकि वह भीगा नहीं था। वेट मतलब गीला होना या भीग जाना। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, धन्यवाद, तुमने मुझ पर दया दिखाई। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू और मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। रिवार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? पुरस्कार या इनाम। आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, तुम 4 वरदान मांगो और मैं तुम्हें ये इच्छाएं दूंगा, सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। अब जादूगर क्योंकि वो जादू के खेल दिखाता है, जादू करता है, तो जो लिटिल फायर ट्री था उसने जादूगर की जो है वो उसने जादूगर को भीगने से बचाया, तो इसलिए जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें कोई रिवार्ड देना चाहता हूँ और आप अपनी कोई 4 विशेज मांगे, 4 इच्छाएं या 4 वरदान मांगे जिसको मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। उदास फर के पेड़ की पत्तियां जो है सुइयों की तरह नुकीली थी। नीडल्स का मतलब है यहाँ पे सुइयां और वो क्या कहता है कि किसी भी पक्षी ने कभी भी उस पर अपना नेस्ट यानी कि घोंसला नहीं बनाया है। सो इट सैड, इसलिए उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स
लाइक माई अदर फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी मेरे अन्य फ्रेंड्स की तरह, मेरे अन्य मित्रों की तरह हरी पत्तियाँ हो जाएं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या विश मांगी कि मेरी जो पत्तियाँ हैं, जो नीडल्स की तरह है, वो भी जो अन्य पेड़ हैं, यानी कि माई अदर फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे अदर ट्रीज, के उनकी तरह मेरी पत्तियाँ भी जब वो ग्रीन यानी के हरी हो जाए। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार फर ट्री जो वो मैजिशियन से अपनी विश जो है वो मांग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड, और अगली सुबह जो उसकी इच्छा थी, जो उसने वरदान मांगा था, वो उसका फुलफिल हो गया, उसका वो पूरा हो गया। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और शीघ्र ही एक बकरी आई और उसकी सभी हरी पत्तियां वो खा गई। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव। और उसने क्या कहा, ओ प्रिय मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पत्तियां हैं वो गोल्ड की हो जाए, यानी कि सोने की हो जाए, यानी कि जो उसके पत्ते हैं वो कैसे हो जाएं, सोने के। एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्योंकि बकरियां जो है वो जो सोने के पत्ते हैं उन्हें नहीं खाती। अब ये उसकी सेकेंड विश थी, ठीक है। व्हेन द लिटल फर ट्री वोकअप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स, और अगली सुबह जब फर ट्री जागा तो क्या हुआ, वह हैरान था, सरप्राइज मतलब हैरान, टू सी द गोल्ड लीव्स, उसके जो पत्ते थे वो सोने के हो गए थे, उनको देखकर वो क्या था, वो सरप्राइज्ड था, हैरान था। हाउ हैप्पी आई एम इट सैड, उसने कहा मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश हूँ, हैप्पी मतलब खुश होना। अ मैन केम अलोंग, और तभी एक आदमी आया, एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, और उसने सोने के पत्ते चुरा लिए, स्टोल मतलब चुरा लिए। आगे वो कहता है आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड, इंस्टीड मतलब की बजाय, वो कहता है कि मेरे सोने की बजाय मेरे जो पत्ते हैं वो ग्लास के हो जाए, यानी कि कांच के हो जाए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी जो है शीशे के पत्तों को नहीं चुराते। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, और अगले दिन सूर्य की धूप में जो उसके पत्ते थे वो चमकने लगे। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, इट सैड, इसने कहा। अब उसकी जो है तीन जो डिमांड्स थी, जो विशेष थी, वो पूरी हो गई है। एट नाइट द विंड ब्लू हू, शोर करती हुई जो हवा है, विंड मतलब हवा, वो बहने लगी, चलने लगी। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और उसके जो शीशे के पत्ते थे वो सभी टूट गए। आप इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो इसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे टूट गए हैं, क्यों, क्योंकि वो कांच के थे। ओ डियर, अरे नहीं, सैड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोट्स डू नॉट ईट दैम। और वो क्या कहता है कि मुझे तो अपने नीडल लाइक लीव्स ही, यानी के नुकीले पत्ते ही सबसे अच्छे थे, क्योंकि बकरियां उन्हें नहीं खाती। नो मैन कैन स्टील दैम, और उन्हें कोई आदमी चुरा नहीं सकता। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और जो हवाएं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने अपनी लास्ट विश भी मांग ली, क्या मांगा लास्ट विश में, कि मुझे जो अपने पुराने पत्ते हैं जो नुकीले हैं वही दे दो। तो द ट्री वेंट टू स्लीप, और जो पेड़ था वो सोने चला गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वह अगली सुबह जागा, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, और दोबारा से उसके जो नुकीले पत्ते वो वापिस आ गए। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी, अरे मैं इतना पहले खुश कभी नहीं हुआ, सेड द लिटिल फर ट्री, और वह अपने पुराने पत्तों को पाकर बहुत खुश था। उसने कहा कि मैं पहले इतना खुश नहीं था। तो यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, मैजिशियन अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, यानी कि ऐसा आदमी जो जादू के खेल को दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं,
जादूगर। सेल्टर, सेल्टर मतलब आश्रय स्थल, प्रेटी मतलब ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, रिवार्ड मतलब पुरस्कार या प्राइज, ग्रांट मतलब फुलफिल पूरा करना, इंस्टीड मतलब इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर। तो ये हमारा लेसन जो है इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। इन सारी एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।